बात है कुछ महीनों पहले की। हम हमेशा वैष्णो देवी जाने का प्लान करते हैं और पता नहीं क्यों प्लान हमेशा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, बट इस बार फाइनली हमने माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर ही लिया। सो इन दिस व्लॉग हम आपके साथ माँ वैष्णो देवी ट्रिप के कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे और आपको वर्चुअल दर्शन भी कराएंगे। सो ज्वाइन अस इन दिस डिवाइन एक्सपीरियंस विथ योर्स ओनली काजल एंड सौरभ। सितंबर 2022 से बेटर क्राउड मैनेजमेंट के लिए श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए RFID कार्ड इश्यू करने शुरू किया है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक जगह जगह पर मिलता है, जैसे कि जम्मू वैष्णवी धाम, कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट एंड एट निहारका भवन इन कटरा, टू नेम अ फ्यू। बिफोर कमिंग यू कैन बुक अकोमोडेशन फ्रॉम श्राइन बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं फॉर भवन। हमने निहारका भवन में रूम बुक किया था, विच वॉज ग्रेट, एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल। माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए आपको कटरा पहुंचना होता है, जो कि ट्रेन या फ्लाइट से इजिली एक्सेसिबल है। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट टू कटरा इज जम्मू। हम जम्मू बाई फ्लाइट आते हैं, फिर एयरपोर्ट से कैब बुक करके निकल जाते हैं फॉर कटरा, विच टेक्स अबाउट एन आवर। कटरा में हम निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुकते हैं, विच इज रियली वेल मेंटेन बाई श्राइन बोर्ड। और हाँ, यू हैव टू बुक वेल इन एडवांस फॉर रूम्स हियर। वैसे कटरा मार्केट में बहुत सारे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, सो लॉजिंग इज नॉट एन इश्यू इन कटरा। तो अभी बजे रात के 8, हमने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज जर्नी बहुत लंबी है और बहुत ही रोमांचक होने वाली है। एंड यू कैन सी बिहाइंड मी इज वेयर वी आर हेडिंग टू माता वैष्णो देवी। सो चलते हैं फिर। जय माता दी, जय माता दी। कटरा से माता का भवन 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जर्नी स्टार्ट होती है बाण गंगा से। गंगा है, उसके बाद चरण पादुका मंदिर है, उसके बाद अर्धकुंवारी। अगर अर्धकुंवारी पे दर्शन करना होगा ना आपने, अर्धकुंवारी से टिकट ले लेना अर्धकुंवारी वाली, फिर सीधे जाके माता के दर्शन करके भैरव बाबा के, वापसी में अर्धकुंवारी पे नंबर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर थोड़ा लेट लगता है ना, इसलिए। त्रिकुट हिल्स का मोहक नजारा देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने पहले पड़ाव, और यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। जय माता दी भी लगा लिया। जय माता दी, जय माता दी। चेकिंग कराकर हम आगे बढ़ते हैं। जिन श्रद्धालुओं को पैदल चलने में दिक्कत होती है, उनके लिए पालकी, पिट्ठू और पोनी की व्यवस्था यहाँ पर है। रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इधर बाण गंगा, शेर के मुंह से पानी निकलता है इधर सामने। ये शिव जी का मंदिर है साथ में, बाण गंगा मेन एंटर करते इधर मंदिर है। मान्यता है कि जब भैरव माता रानी को पकड़ने के लिए पीछे लगा था, तब हनुमान जी माता रानी की रक्षा के लिए साथ चल रहे थे। उनको रास्ते में जब प्यास लगी, तब माता ने तीर चलाकर इसी जगह पर पवित्र जल धारा प्रकट की थी, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। ढोल की धुन का मजा लेते और माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जो बाहर के यात्रु हैं जिनकी सिम नहीं चलती है, वो यहाँ से हमारे से सिम रेंट पे ले सकते हैं। तो सिम ऑन रेंट की बहुत ही अच्छा फैसिलिटी हमें पता चला, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का टाइम नहीं था। सो इफ यू जस्ट ट्रैवलिंग फॉर अ सिंगल डे, आप यहाँ से सिम रेंट पे ले सकते हैं और वापसी के समय लौटा के वापस जा सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी गुड फैसिलिटी। माँ वैष्णो देवी के इस यात्रा में पूरे रास्ते आपको दुकान मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने तक की कोई कमी नहीं। फर्स्ट चेक पॉइंट से 3 किलोमीटर की दूरी पर माता का चरण पादुका मंदिर है। यहाँ माँ के चरणों के निशान युगो युगो से हैं। हम मंदिर में माथा टेक माँ के दरबार के लिए आगे बढ़ते हैं। काजल बहुत स्टीप है।
सीढ़ियों का उपयोग चढ़ने के लिए ना करें एंड रादर टेक द नॉर्मल रूट जिससे हम जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत ही स्टीप हो जाती है आगे एंड देन यू फील वेरी टायर्ड. तो उससे बढ़िया आप नॉर्मल रास्ते से चले और मैं भी उतरते समय सीढ़ियों का उपयोग करें. जय माता दी, जय माता दी. रात में ऊपर से कटरा शहर बिल्कुल जगमगाता हुआ और भव्य लग रहा था. ये जो स्ट्रेच है अर्धकुंवारी के पहले तक बहुत ज़्यादा स्टीप हो चुका है. हमारी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है. अभी हम आधे रास्ते भी नहीं आए लेकिन वील डू इट. जय माता दी. करीब 6 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद हम अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं. भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वाया हिमकोटी या हाथी माथा. हम नए रास्ते यानी वाया हिमकोटी को अपनाते हैं जहां पोनी अलाउड नहीं है और ये पुराने रास्ते से बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट और क्लीन है. अर्धकुंवारी से भवन टू एंड फ्रो बैटरी कार्स भी चलती है जिसका फेयर और टाइमिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं डोसा पॉइंट हिमकोटी जो कि एक बहुत ही अच्छा फूड जॉइंट है. हिमकोटी में पुलिस चेकिंग पोस्ट है जहां एक बार फिर से फ्रिस्किंग होती है. और फाइनली हम मां के दरबार पहुंच जाते हैं. दादी इतनी ज्यादा थकान और चढ़ाई के बाद जब आप ये देखते हो 1750 मीटर. जय माता दी. जब माता का बुलावा आता है तो लोग किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं और हम भी पहुंच जाते हैं माँ के दरबार में. लॉकर नंबर 1 के पास भेंट शॉप है जहां प्रसाद मिलता है. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लॉकर पॉइंट और यहां पे हम लोग अपना सारा सामान डालेंगे. इसके आगे शूट नहीं कर सकते तो हम लोग मिलते फिर आपसे दर्शन के बाद. जय माता दी. सुबह 4 बजे माता के दिव्य दर्शन कर हमारा जीवन तो सफल हो गया. एक अलग ही शांति और शक्ति महसूस हुई माँ के दरबार में. माँ आपको सत सत नमन जो आपने हमें बुलाया. जय माता दी. वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना कहाँ सफल होती है. सुबह रोपवे की सुविधा शुरू हो जाती है पर लंबी लाइन देखकर हमने मन बनाया कि पैदल ही चला जाए और बाबा के दर्शन किया जाए. और जब हम ऐसा कर लेते हैं तब भजन में लीन होकर हम चैन की सांस लेते हैं. वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो वैष्णो देवी जाने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करें. जय माता दी.